गुड आफ्टरनून बच्चे, गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन, वेलकम टू सेवेंथ क्लास सेकंड लेसन कॉम्प्रिहेंसिव पैसेजेस टू रिवाइज इट। नाउ द प्रीवियस वीडियो वी हैव गिवन द फर्स्ट लेसन कॉम्प्रिहेंसिव हाउ टू राइट एंड द सेकंड होमवर्क कंटिन्यूशन ऑफ दैट based on the poem how to write the question answers. So now the second lesson, here the paragraph is given. So first we read this paragraph and then based on the paragraph the questions and the answers I will tell you, keep it in the mind. First you see this, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए. The known passage when you are getting, you should write the answer in one sentence, not in one word, one sentence. See now the passage. एक पेड़ था, उसका एक दोस्त था, उसका नाम अमर था. दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे. हर रोज अमर पेड़ के पास जाता था, उसके फल खाता था, उसके पत्ते इकट्ठा करता था, इन पत्तों की माला बनाता था, पेड़ के तने पर चढ़ता था, उसकी शाखाओं से झूलता था. दोनों आपस में आंख मिचौनी खेलते थे. जब वह थक जाता तो पेड़ की छाया में सो जाता. इस तरह दोनों बहुत खुश थे. चिल्ड्रन यू सी हियर इंस्टेड ऑफ द ऊ इट हैज बीन प्रिंटेड एज अ ड. This is U. So in this place, not duske, it is uske. Ek peer tha. What is the meaning of ek peer tha? There was a tree. Uska ek dost tha. The tree has a friend. Uska naam Amar tha. What is the name of the friend there? Amar. Dono aapas mein bahut pyar karte the. Both were loving each other. Har roj Amar peer ke paas jata tha. So every day Amar used to go near the tree. उसके फल खाता था. He used to eat the fruits of that tree. उसके पत्ते इकट्ठा करता था. He used to gather the leaves of the tree. इन पत्तों की माला बनाता था. After gathering the leaves, he used to make a garland like माला. पेड़ के तने पर चढ़ता था. He used to climb the branches. उसकी शाखाओं से झूलता था. तो those branches used to swing like a swing. So in that way, दोनों आपस में आंख मिचौनी खेलते थे. तो both पेड़ एंड अमर, दोनों मीन्स यार पेड़ एंड अमर, पेड़ और अमर आपस में आंख मिचौनी खेलते थे. तो both were playing a आंख मिचौनी में हाइड एंड सीक. जब वह थक जाता तो पेड़ की छाया में सो जाता. सो व्हेन ही यूज्ड टू फील टायर्ड देन ही यूज्ड टू स्लीप अंडर द शेड ऑफ द ट्री. इस तरह दोनों बहुत खुश थे. सो इन दिस वे बोथ वर वेरी हैप्पी. दिस इज द पैसेज. व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? पेड़ का दोस्त का नाम क्या था? व्हाट इज द नेम ऑफ द what is the name of a friend of the tree? So ped ka dost ka naam, here it is given amar, amar tha. So everything from the question itself you will write, only the question word you will remove and you will write the answer word. Ped ka dost ka naam amar tha. What is the second question? Har roz amar कहाँ जाता था? तो एवरी डे वेर ही यूज टू गो. हर रोज अमर पेड़ के पास जाता था. सो द सेम थिंग यू विल राइट. हर रोज अमर पेड़ के पास जाता था. व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन? अमर क्या खाता था? अमर पेड़ के फल खाता था. उसके मीन्स पेड़ के. सो इंस्टेड ऑफ द उसके यू विल राइट हियर पेड़ के. अमर पेड़ के फल खाता था. अमर माला किससे बनाता था?
what material used to make the like a garland? Amar पत्तों से माला बनाता था. अमर पत्तों से माला बनाता था. कौन आपस में आंख मिचौनी का खेल खेलते थे? दोनों. दोनों मीन्स पेड़ और अमर आपस में आंख मिचौनी का खेल खेलते थे. इस गद्यांश का नाम क्या है? What is the name of this passage from which lesson it has taken? सच्चा दोस्त. इस गद्यांश का नाम सच्चा दोस्त है. पेड़ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? What is the synonym word of पेड़? तरु, वृक्ष, पादप, etc. Many other. पास. What is the opposite word of पास? दूर. माला, शाखा. शब्दों के बहुवचन. बहुवचन means plural word. माला, मालाएं, शाखा, शाखाएं. एक पेड़ था. संज्ञा शब्द पहचान कर लिखो. संज्ञा means noun. You have to find from this noun. एक पेड़ था. What is the noun from this? पेड़. पेड़ is a संज्ञा शब्द. So you will write the answer पेड़. तो फर्स्ट वन इज पेड़ का दोस्त का नाम अमर था. हर रोज अमर पेड़ के पास जाता था. अमर पेड़ का फल खाता था. अमर पत्तों से माला बनाता था. पेड़ और अमर आपस में आंख मिचौनी का खेल खेलते थे. इस गद्यांश का नाम सच्चा दोस्त है. पेड़ शब्द का पर्यायवाची तरु वृक्ष पादप है. पास शब्द का विलोम शब्द दूर. माला शब्द का माला और शाखा का बहुवचन माला मालाएं शाखा शाखाएं. एक पेड़ था. संज्ञा शब्द पहचान कर लिखो. एक पेड़ इन दिस पेड़ इज संज्ञा शब्द. एक इज न्यूमरकल. न्यूमरकल मीन्स विशेषण संख्या वाचक विशेषण. तो इन दिस ओनली एक पेड़ था. तो पेड़ इज द संज्ञा शब्द. तो दिस लाइक दिस यू हैव टू गो थ्रू द पैसेज. नाउ यू विल फॉलो दिस पैसेज एंड you will write these answers and share your answers to the according to the teachers. And one more thing children, your when your classes is your classes is going on and next month you have to write a FA exam. Your homeworks, if you are not able to share in the WhatsApp after coming to the class, if you show your homeworks, then only the project work marks and this response of that and the notes part marks will be allotted to you as the internal marks. Otherwise, you will lose it. Project work marks is 10, responses is 10, and the notes part is 10 marks. Total 30 marks. If you show your homeworks, then only you will get your 20 marks and project work 10 marks. So better keep this in the mind and go through that what you are doing it. Understand? So we are going to stop the share this and we are going to stop it. So until then, you go through each line, read, and then answer it in proper way. So once we have given the poem, how to write, next we given the normal photo. So once we explain the passage, how to write, later, if anything is left, normally, not in the video, directly the assignment will be shared. So be careful.
follow it what we said here, and then you go through it. Until then, thank you.